नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में जानते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल प्रवासी संकट व मनरेगा से संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं लगभग लगभग आपके COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के आधार पर ही लिखे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी किस कारण ये लिखा गया और अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका क्या है, प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियां क्या हैं, प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा की क्या भूमिका है, मनरेगा से संबंधित चुनौतियां क्या हैं और इसके संभावित उपाय क्या हैं। एक बात आप लोग हमेशा समझ लीजिए कि अभी आप लोग देख रहे होंगे माइग्रेशन यानी कि प्रवासी मजदूरों की क्या हालत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में कोई भी आपदा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो फिर चाहे आपकी मानवीय आपदा हो, सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है इन्हीं लोगों को। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण भारत ही नहीं, विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन के विकल्प को अपनाया गया। इस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक वर्ग को पलायन जैसी गंभीर समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाला पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमने रोजगार पाने और बेहतर जीवन जीने की आशा में गांव और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते देखा, परंतु इस समय महानगरों से गांव की ओर हो रहा है पलायन निसंदेह चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी है। आप लोग एक बात समझ सकते हैं, या क्या समझ सकते हैं कि लोग किस लिए जाते थे शहरों की तरफ? आज कई मजदूर देख रहे हैं भरोसा उठ गया है मजदूरों का। कल ही परसों आपका एक आर्टिकल आया हुआ था जनसत्ता में सर, उसमें भरोसा भरोसे का टूटना कि जिन नेताओं को हम चुनते हैं जिनके भरोसे हम जाते हैं वही हमें निकाल देते हैं। इस समय एक नाम आपका चर्चा में आ रहा है, सोनू सूद। आपने देखा होगा किस तरह से बसों की व्यवस्था कर रहे हैं और मजदूरों पे भेज रहे हैं। तो देखिए आप, वो इंसान जिससे हमारी कोई उम्मीद नहीं थी वो आपका रोड पर 24 घंटा खड़ा हुआ है, इतनी मेहनत कर रहा है, जो हमारे नेता हैं जिन्हें हमने चुना, जिनसे हमें उम्मीद थी, वो घर में बैठकर रामायण देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं अगर ऐसी स्थिति में अगर भगवान राम भी होते तो वो घर में चुप कभी ना बैठते। समझ में आए? तो इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा है कि नेता घर में बैठ जाए, जनता मरने के लिए छोड़ दिया जाए। 180 से 200 मजदूर आपके मर चुके हैं और लॉकडाउन की स्थिति आप देख ही रहे हैं, 6,000 6,500 7,000 डेली के बढ़ रहे हैं। तो आप इसी मान के चलिए इसको कि लॉकडाउन की स्थिति आपकी फेल हो चुकी है। और अब आप सोचिए लॉकडाउन खोलने की स्थिति आ गई, जब जरूरत है लॉकडाउन लगाने की तब खोलने की स्थिति आ गई। सबसे पहले एक हमेशा बताता है कि प्रवासी मजदूरों को घर भेज देना चाहिए था। उसके बाद अगर आपका लॉकडाउन 6 महीने भी चलता तो वो बर्दाश्त कर सकता था देश। और अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना एक बड़ी मात्रा में बड़े तादाद तक पहुंच चुका है लोगों तक। तो अब जो भी मजदूर जा रहे हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की संभावना पूरी पूरी है। अभी आपने एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो दिल्ली से बिहार जा रहे हैं उनमें 4 मजदूरों में से एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। समझ सकते हैं? अब शुरू में आप सोचिए अगर खोल दिया जाता, कोई लॉकडाउन ना लगा के इन मजदूरों को भेज दिया जाता तो ज्यादा समस्या भी आपके सामने ना खड़ी होती, क्योंकि शुरू में ज्यादा लोगों तक फैला नहीं था, उन्हीं लोगों तक था कोरोना वायरस जो विदेश से आए हुए। और आप समझ सकते हैं हमारे जो गरीब हैं मजदूर हैं प्रवासी मजदूर हैं इनकी इतनी क्षमता नहीं है इनके पास कि विदेश जाए। समझ सकते हैं ये लायक कौन है? वही बड़े लोग जो विदेश जा सकते हैं जिनके अंदर क्षमता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति जिनकी सही है।
देखिए, इससे सबसे ज्यादा जूझना किसे पड़ रहा है? प्रवासी मजदूरों, जो गरीब तबका है। सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर होने वाली पलायन से। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गांव की ओर प्रवासन हो रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़क पर उतर पड़ा। इस प्रवासी संकट को दूर करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया है। अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा, ज्योति कोई लड़की 14-15 साल की अपने पिता को, बीमार पिता को 1200 किलोमीटर चला कि साइकिल से ले जाकर बिहार पहुंचती है। अब आप सोचिए, 1200 किलोमीटर एक दिन में तो सफर कवर नहीं हुआ होगा। तब तक लोगों को खबर नहीं लगी इस नेताओं को। जैसे ही वो पहुंच गई घर, उसके बाद हर कोई आने लगा। समझ सकते हैं आप? तो क्या, या तो मजदूर मर जाते हैं उसके बाद नेता जागते हैं, या काम हो जाता है उसके बाद इनकी नींद खुलती है। तो मुझे तो लगता है कि ये शब्द नेता, इंसानियत, ये सब बस किताबों में देखने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब ना तो इंसानियत इंसान में बची हुई है, ना नेता में वो गुण बचे हुए हैं जिससे वो नेता बन सके। ठीक है, अभी आप लोग कई वीडियो देख रहे होंगे, रोना आता है कि हमारा देश की ये हालत हो चुकी है। अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमों की भूमिका क्या है? भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाकों में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी की लगभग 6% है। ये श्रमिक इसका 1/3 यानी जीडीपी का लगभग 2% घर बेचते हैं। मौजूदा जीडीपी के हिसाब से यह राशि 4 लाख करोड़ रुपए। यह राशि मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है। वर्ष 1991 से 2011 के बीच प्रवासन में 2.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो वही वही वर्ष 2001 से 2011 के बीच इसकी वार्षिक वृद्धि दर 4.5 यानी कि 4.5% रही। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन से श्रमिकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। श्रम गहन उद्योगों अर्थात ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट सेक्टर में बड़ी तादाद में श्रमिक काम करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इन श्रमिकों को बोनस, इंक्रीमेंट, मोबाइल फोन रिचार्ज, आने जाने का किराया और कैंटीन जैसी सुविधाएं देकर कंपनियां ने अपने साथ जोड़कर रखना चाहती थी। आप समझ सकते हैं लोग क्यों जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर, जाते क्यों हैं आखिर? स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के, और अच्छा रहन सहन, इसी के चक्कर में रोजगार के चक्कर में जाते हैं कि नहीं? 3-4 पॉइंट है। ठीक है, अगर ये 3-4 कारक उसके स्थानीय स्थान पर उपलब्ध करा दिए जाए, उसी ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा दिए जाए, तो किसी को जाने की जरूरत क्या पड़ेगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन ये आपका आजादी से पहले भी यही हाल था और अभी भी वही हाल है। ठीक है, गांव के स्कूलों की आप लोग हालत देख सकते हैं, जिसकी हम लोग मनरेगा की चर्चा कर रहे हैं। आधे मजदूरों यानी कि गांव के अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं है कि मनरेगा जैसी योजना हमारे लिए आती है। ठीक है, मैंने खुद देखा है। प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियों की बात करें हम लोग, श्रमिकों के गांव की ओर प्रवासन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त है। वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया हो या फिर रुक गया हो, परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि हो गई। श्रमिकों की पूर्ति ना हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है।
गांव की ओर प्रवासन के कारण इन राज्यों की कृषि गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई। श्रमिकों की पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। भवनों का निर्माण कार्य रुक जाने से परियोजनाओं की लागत बढ़ने की संभावना है। बड़ी संख्या में श्रमिकों की पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाले राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, कोई भी परियोजना है, जितना अधिक समय लगेगा उसमें उतना ही खर्च बढ़ता जाता है। ठीक है, गांव की ओर प्रवासन से अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा है। यह सर्वविदित है कि महानगरों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्यों में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अपेक्षाकृत रूप से उद्योगीकरण में पिछड़े हुए हैं। प्रवासन के परिणाम स्वरूप इन राज्यों में रोजगार का संकट भीषण रूप ले रहा है। रोजगार के अभाव में इन राज्यों में सामाजिक अपराध और जैसे लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति, देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिसे राज्य की कानून व्यवस्था और छवि दोनों खराब होने की आशंका है। अब देखते हैं हम लोग प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा की क्या भूमिका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा, जिसे हम लोग मनरेगा बोलते हैं, को भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। प्रावधान के मुताबिक मनरेगा लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही विकलांग और अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है इसमें। आप समझ सकते हैं कानूनी अधिकार, मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि आपको जाना चाहिए, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो इसका कंपेशन यानी कि कुछ पैसा भी आपको मिलेगा और रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा पंचायत की तरफ से। समझ सकते हैं कानूनी अधिकार है आपका। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप लोग 5 किलोमीटर दूर आपको अगर काम मिलता है तो आपको परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा इसमें। सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों की रोजगार का प्रावधान है। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में से 56% महिलाओं की भागीदारी थी इसमें। मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों की आयु बार आंकड़ों के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि वित्त वर्ष 2018 17 18 के बाद 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उद्यान में भी मदद की है। मनरेगा को 2005 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। मार्च 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की घोषणा की।
अब देखते हैं आखिर मनरेगा से संबंधित चुनौतियां क्या हैं इसमें। अपर्याप्त बजट आवंटन। पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित बजट काफी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिलता है। वेतन में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की शक्ति पर पड़ता है और वे अपनी मांग में कमी कर देते हैं। मजदूरी के भुगतान में देरी। एक अध्ययन में पता चला है हमें कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले 78% भुगतान समय पर नहीं किए जाते हैं और 45% भुगतानों में विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था, जो अर्जित मजदूरी का 0.05% प्रतिदिन है। आकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में मजदूरी 11,000 करोड़ रुपए थी। पर आपका खराब मजदूरी दर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफी स्थिर हो गई है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। यह स्थिति कमजोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने को विवश करता है। भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ी समस्या है चुनौतियों में। वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था, जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंधित एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटना आवश्यक है। अधिकांश यह देखा जाता है कि इसके तहत आवंटित धन का अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है। इसके लिए संभावित उपाय क्या हो सकते हैं आपके लिए? अल्पकालिक उपाय। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गांव में सार्वजनिक काम शुरू हो। कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों की को बिना किसी देरी के तुरंत काम प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को निश्चित रूप से वापस लौटे और प्रवासी श्रमिकों की खोज करने चाहिए और जॉब कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करने चाहिए। श्रमिकों के लिए साबुन, पानी, मास्क जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। ये समय मनरेगा मजदूरों को भुगतान में तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सबको पैसे की ये समय नगद की जरूरत है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो भी आर्थिक पैकेज आया हुआ है उसका ठीक है, आगे चलकर इसमें कोई शक नहीं है, कुछ आने वाले दिनों में इससे फायदा दिखेगा, लेकिन अभी हाल में हमें जरूरत थी एक नगद राशि की जिसे हम खर्च कर सकते थे। अभी ये आपको ऋण की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोग ही सोचिए, ऋण कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, तो कुछ समय की बात फायदा होगा, लेकिन अभी हाल में सरकार को नगद देना चाहिए था, जिस तरह अमेरिका जापान में दिया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से नकदी को सेवकों तक आसानी और कुशलता से पहुंचाने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक उपाय की बात करें तो इस वैश्विक महामारी ने विकेंद्रीकृत शासन के महत्व को प्रदर्शित किया है। ग्राम पंचायतों को कार्य की स्वीकृति देने, मांग पर काम प्रदान करने और भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए वेतन भुगतान को अधिकृत करने हेतु पर्याप्त संसाधन, शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान करने की आवश्यकता है। मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जैसे ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत आदि अभियान आदि। सामाजिक अंकेक्षण प्रदर्शन की जवाबदेही बनाता है, विशेष रूप से तत्काल हितधारकों के प्रति। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नीतियों उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल प्रवासी मजदूरों पर जो संकट है और मनरेगा से संबंधित। आप लोग एक बात हमेशा समझिए, मुझे लगता है कभी कि ऊपर वाले की नजरों में तो मौत का कोई सिलसिला फर्क नहीं है, क्योंकि आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है, ठीक है, तो समझ सकते हैं कोई नहीं, मौत से कोई नहीं बचता। लेकिन यहाँ नेताओं की नजरों में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती। आप भी समझ सकते हैं, कोई भी आए हमारे
चाहे नरेंद्र मोदी आए, फिर उसके बाद जो भी नेता आए, या अभी तक जो भी रहे, किसी की नजरों में गरीबी की कोई मायने नहीं रखता है। आप भी समझ रहे हैं, बस दो शब्द बोलने के आके उनका काम खत्म, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं, जिनका परिवार का मेंबर गया हुआ है, जिन्होंने अपना परिवार, माँ बाप, भाई बहन खोए हुए हैं, कभी उनकी जगह अपने आप को रखकर देखिए, तब शायद बेहतर समझ में आए। हम लोग एसीओ में, कूलरों में बैठकर हवा लेकर कुछ भी बोल सकते हैं कि उन्हें क्या जरूरत है। कई लोग लिख रहे थे, मैं देख रहा था, बोल रहे थे कि क्या जरूरत थी उन्हें लेकिन निकलने की मुंबई दिल्ली से, सब व्यवस्था की जा रही होती है। आप ही सोचिए, अगर आपको घर में 24 घंटा खाना उपलब्ध है, हर सुविधा उपलब्ध है, तो किस लिए निकलोगे घर से? यार कभी अपने आप को किसी भी इंसान की जगह रखकर तो देखिए, क्या होता है कि हमें दूसरे की समस्याएं मजाक लगती हैं। अगर ऐसा लगा करें उस समय, आप उसकी जगह अपने आप को रखा करिए और देखा करिए कि आपके पास ऑप्शन क्या होता, आखिर आप क्या करते उस जगह होते तो, तब आपको पता चलेगा। और भगवान से थोड़ा डरिए डरिए, उल्टा सीधा कमेंट मत किया करिएगा कि उन्हें मरने की आदत है। भगवान कभी माफ नहीं करेगा इन शब्दों के लिए, ठीक।